है अपनी आत्मा की दौलत, जब तुम मनुष्य मंदिर पर बैठ करके जब तुम आत्मा के बच्चे भगवान करते राम और प्यार और सुमरत और भजन जब तुम दे काम से आराम से तब जाते दुखी दुख गरीबी भी गरीब अरे जब भी बड़ी की जब ये मेरी कुछ नहीं है गुरु महाराज की दया से उनके आशीर्वाद से और उनके आदेश आस्था कितने करोड़ आदमियों को नामकरण किया और ये अवसर मौका दिया कि लोग ये छोटे बड़े पढ़े लिखे और ये न कहें कि महात्मा अपनी भेद की दूसरी अगर महात्मा और समाज का काम लोग और सर्वों का करना चाहें तो करते नहीं है। हमने लोगों को सच्चा रास्ता खुला रखा है, ये तो हम जानते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करोगे रखोगे नहीं तो हमारी की वापिस तो एक बहुत बड़ी बैंक है उसमें वापिस जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सस्ते को कोई काम किया काम लिया नहीं और उसको रखा नहीं तो जा सकते, लेकिन आज को फिर क्या होगा ये बड़ी कह बच्चे होते हमको कोई तकलीफ नहीं मिली, गए रास्ता नहीं मिला, बच्चा हमको खिलाकर उपहारना नहीं मिली और बच्चा नाम नहीं मिला, कई करोड़ आदमियों को देश में ऐसा भी हम नहीं मानते जब मैं उसके साथ मेहनत की तो देखा जाएगी उन्हें थोड़ा वो अवसर है जब वो पाएगा तो लोग कहेंगे अभी ऐसे कहेंगे अभी परिस्थितियों में नहीं आ सके लेकिन अभी मानते थे न कोई गाजी जरूर जो कोई गाजी था हम दूर जरूर रहे और आपने हमको नहीं देखा हमें आपको लेकिन हम भी आए फिर ये गप करेंगे हम ये उनके लिए हम कोई बात नहीं करेंगे इसमें लोगों को जिले जिले में लोगों को पालिका उपदेश शांता दिया इसको और लोगों को हर तरह का बोध दिया ये खान पान से योगा या तेज योगा या बुद्ध है या इसको खाना है इसको नहीं खाना ये तुम्हारे लिए लाभ करेगा ये तुम्हारे लिए नुकसान करेगा इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इससे बुद्धि कट जाएगी इससे इससे खाने से अज्ञान होगा और विज्ञान हो जाएगा इससे खाने से मन इंद्रिय अद्भुत हो जाएंगी और इससे खाने से अद्भुत हो जाएंगी तो ये आप ऐसा कहते आपको वहां जो मंदिर बन रहा है वहीं पर पूरे सारे साल और शाम को पूरे 5 बजे से प्रारंभ होगा लेकिन दिन में भी कार्यक्रम हो सकता है कहीं आज कर पाऊ अब ये दिन वाला जो बीच होगा वो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन जब आपको ये सूचना मिले कि कार्यक्रम मंदिर पर होने जा रहा तो आप मंदिर को जरूर पड़ना और ये मन पूछा है कि नहीं जहां पर ये मना हुआ क्या ये पास या मंत्र है बीच का कार्यक्रम ये और उभय अवस्था दिनों के कार्यक्रमों में और ये आश्रम को जो आदेश था इसको करोड़ों लोगों ने टाट कर दिया है। अब ये बात लोगों के सामने आने लगी कि टाट का मतलब क्या होगा, टाट का उद्देश्य क्या है, टाट का इतिहास क्या है, धीरे 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 और धीरे धीरे लोगों को मालूम कर रहे कि लोगों में शीर्षा तो कोई ऐसे कराई नहीं जाती है पर तो कहना ही है इसलिए करोड़ आदमियों ने जो था चढ़ा है उसका कोई मतलब और मतलब है तो मतलब का मतलब तो निकलेगा ही आपको अभी रात में और सुबह आए जाते हैं
तो लोग सुनने को मिलने लगे बच्ची जब आप ये जान गए कि प्रतियोग है प्रतियोग जाम कारण भी है पर लोग भी है वहां से इंतजाम करने वाले वैकुंठ लोग भी वहां के इंतजाम करने वाले और वैकुंठ लोग की हस्तियां भी यहाँ है और पर लोग की हस्तियां भी यहाँ है यानी 14 भवन की हस्तियां यहाँ है और 14 भवन की हस्तियां यहाँ है और खुदा के दीदार करने वाले यहाँ है और वहां का साक्षात करने वाले यहाँ है और मतलब यह है कि उस रथ को देखने वाले भी यहाँ पर है प्रभु का साक्षात्कार करने वाले यहाँ और अल्लाह ताला से मिलने वाले भी यहाँ है बाल रूप का दीदार दर्शन करने वाले भी यहाँ है ये सब यहाँ पर लेकिन अगर आप वो जब तक दोस्तों का प्रचार होगा तो सब कुछ प्रचार रहेगा वो सब बड़ी संख्या संतों का संतों का संघर्ष संतों का हमारी सुख का मालिक का संपर्क सुनते श्रद्धाओं का भी जो श्रद्धा उत्तर संख्या जनता में कुछ देखने वाले मैं पूरे जगत को ये भौतिक भौतिक उत्तर जो आप समझते हो वो नहीं है भौतिकता कुछ और भौतिकता में मानवता का स्थानीय का पूरा है प्रतिष्ठा में हर चीज का बोध होता है जब खेती क्यों करते हो कैसे करना तो घास क्यों करते हो कैसे करना और बचपन में काम कैसे करना हम क्यों करते हैं और बच्चों में आकर उनकी सेवा क्यों करते हैं पढ़ाई लाई का संस्कार रिश्तेदारों का सम्मान क्यों करते हो और ऐसा उचित समय मिल जाए तो गुरुओं की सेवा क्यों जाती हो जिनमें केंद्रीय दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के काम को अपने अपने बच्चों की काम देते हैं आए गए काम सरकार और दुखियों के किसी दुख में पकड़े होना यह है सब इसको कहते हैं कर्म ही इंसानियत की कहो या मानवता की है कर्म और किसी में हमने समय बचाकर 2 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो सुबह शाम दोपहर में मनुष्य रूपी मंदिर में जिस पानी में जिसमें सच्चे भगवान का भजन यानी सच्चे खुदा की इबादत ये धर्म था ये धर्म किसको धर्म भजन करने का नाम धर्म और ये काम करना सेवा करना हो गए कर्म और झूठ बोलना धोखा देना बेईमानी करना वादाघात करना चोरी करना खुद गति करना मारपीट करना और दूसरी चीज देखना और ये करना
बहुत बड़े शब्दों को सुनता छोटे बड़े का भी छोड़ना अब तीन चीजें आपके सामने आ चुकी राजनीति और सत्तर हो गया जमीन आपको समझ गया राजनीति राज Jai Hind.